आलू मटर बनाने के लिए एक कटोरी, देखिए ये फ्रेश मटर है, ये हमने लिया है, ये कटोरी भर का है। इसके साथ ये तीन बड़े आलू लिए थे, इसको हमने छीलकर काट लिया है। इस तरीके से इसके टुकड़े बना लिए हैं। आप चाहे तो कोई सा भी शेप रख सकते हैं। इसमें हमने मसाले में दो हमने टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, चार ये हरी मिर्च है, ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं वो टुकड़े में काट लिया है, 1 इंच ये अदरक का टुकड़ा है, ये देखिए ये 2 बड़े साइज के अनियन ले करके से बारीक चॉप कर लिया है। इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। मसाले में है 1/2 इंच ये दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 8 से 10 ये साबुत काली मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा है। तो हम आलू मटर अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम आलू को थोड़ा फ्राई करेंगे और ये टमाटर भी हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, उसके बाद हम इसका प्यूरी बनाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा हमने मस्टर्ड ऑयल, आप जो तेल यूज़ करते हैं आप उसमें बना सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा आलू बस फ्राई करना है। तेल हो गया गरम, अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू। देखिए फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे आलू इसे निकाल लेते हैं। आलू को निकाल लिया है, अभी डाल देंगे इसमें टमाटर, थोड़े से सॉफ्ट करने हैं बस। इसी वाले तेल में हम आप तेल डालेंगे, तो पहले का तेल है इसमें, ये देखिए सॉफ्ट करना है इसको। इसे सब्जी का पेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए ये टमाटर अदर लग सब अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो गया, देखिए तो हम इसको गैस ऑफ कर लेंगे और इसको आप निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करना है, इसको पहले ठंडा होने देते हैं। चूल्हे पे हमने रख दिया है प्रेशर कुकर, ये गर्म हो गया है, इसको हम कुकर में बनाएंगे आलू मटर। तो हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ये तेल लिया है, क्योंकि हमने आलू में भी तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है तो डाल देते हैं खड़े मसाले, मसाले चटाते हैं। ये डाल देंगे प्याज, तो जैसे के लिए हम आई रखें और इसको गोल्डन ब्राउन तक इसी तरीके से सब बच्चे चला दे रहे हैं, बच्चे को गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डाल देंगे मसाला पाउडर। लेकिन अब हम ये गैस का फ्लेम आप मीडियम रखें, मीडियम फ्लेम पर मसाले डालें, ये तो मसाले जल जाएंगे। हमने मसाला डाल दिया, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जले नहीं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से इसके साथ मिला देंगे। ये देखिए अभी इसको हमने मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, अब इसको आराम आराम से धीमी आंच पे इसको पकने देंगे मसाले को। ये देखिए जार में हमने इसके टमाटर की प्यूरी बना ली थी, टमाटर हरी मिर्च और लहसुन का, अब हम इसको डाल देंगे, मसाला तैयार हो रहा है। टमाटर लहसुन इसका टेस्ट, इसके साथ इसको थोड़ा भूनेंगे, 1 मिनट हो गया है मसाले को भूनते हुए, अब डालेंगे इसमें ये मटर, इसके साथ हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे, डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें आप, जैसे जितना आप खाते हैं। ये फ्रेश मटर है, इसे हमें थोड़ा गलाना पड़ेगा। मसाला अच्छे से भुन गया है, हम डाल देंगे ये आलू। बस अच्छे से मिला दें, थोड़ा सा
सा पानी डाल दिया, एक कप पानी है, अब इस पानी को डाल देंगे। ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हैं, आप इसकी जगह एक गिलास पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी अगर आपको ग्रेवी बढ़ानी है तो इस टाइम पे आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दें। एक कप पानी पहले डाला था और एक कप आप डाल देंगे, दो कप पानी डालना है। इसको तीन मिसल आने तक पकाना है हमें, क्योंकि ये फ्रेश मटर है, थोड़ा गलने में टाइम लगेगा इसको। तो हम इसका लिड बंद कर देंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे तीन मिसल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको स्टीम में ही छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। 10 मिनट पक चुकी है सब्जी, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर हम आपको इसी स्टीम में अभी इसको छोड़ देना है, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। प्रेशर रिलीज हो गया है तो अब देखते हैं। ये देखिए, डाल देंगे इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको हमने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा बाद में, इतनी इसकी खुशबू, इसका जायका बढ़ जाएगा आलू मटर का। आप इसके जगह हरा धनिया भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसको हाथों से क्रश करके इसको डाल देंगे लास्ट में, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी हमारी सब्जी एकदम तैयार हो गई है आलू मटर की। तो ये आलू मटर की सब्जी तैयार है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस तरीके से आलू मटर की सब्जी को ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। ये पूरी, चपाती, इन सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो आप सभी इसको ज़रूर ट्राई करें, आप सबको बहुत पसंद आएगा। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और बहुत बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।